कांड में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जेकब और शांतनु पर गिरफ्तारी की तलवार, पुनीत मो धालीवाल, पीटर फ्रेडरिक और अनीता लाल भी पुलिस के रडार पर। किसान आंदोलन को हवा देने के लिए दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने 6 दिसंबर को बनाया था एक व्हाट्सएप ग्रुप, दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा रवि ने इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, दिशा इसकी एडमिन थी, निकिता और शांतनु सब एडमिन थे, ग्रुप में 10 से ज्यादा मेंबर्स थे। दिल्ली पुलिस व्हाट्सएप को भी चिट्ठी लिखकर दिशा रवि वाले ग्रुप की हर जानकारी हासिल करने की तैयारी में है, कार्रवाई के डर से दिशा रवि ने ग्रुप डिलीट कर दिया था। टूलकिट केस की जांच पे पता चला कि दिशा और शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली में ही थे, कहां कहां गए, किस किस से मिले, क्या किसान आंदोलन वाली जगह भी गए, अब इसकी पड़ताल हो रही। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शांतनु के मोबाइल की लोकेशन से पता चला कि वो टिकरी बॉर्डर और उसके आसपास ही रहा था, यहीं से टूलकिट के लिए सोशल मीडिया को ऑपरेट करने का दावा। दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश से थोड़ी राहत, पुलिस रिमांड में रहते हुए रोज 30 मिनट अपने वकील से और 15 मिनट फोन पर परिवार से बात कर सकेगी। टूलकिट केस में संदिग्ध आरोपी शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाई कोर्ट से 10 दिन की अस्थायी अग्रिम जमानत मिली, निकिता जेकब की अर्जी पर फैसला आज होगा। दिशा रवि के समर्थन में खड़े हुए प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा, दिशा की कानूनी मदद के लिए आगे आने की बात कही। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का लगातार विरोध प्रदर्शन, दिशा की फौरन रिहाई की मांग की। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी की आईटी सेल ने 21 साल की लड़की को भी नहीं बख्शा। दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएनयू के आयसा संगठन से जुड़े छात्र भी उतरे मैदान में, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी किसानों के निशाने पर पश्चिम बंगाल भी, किसानों का समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट की अपील, राकेश टिकैत बोले बंगाल में किसान पंचायतें करेंगे। पंजाब के किसान नेताओं का फैसला, पंजाब में किसान महापंचायत नहीं करेंगे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर ही पंजाब के लोग एकजुट होते रहेंगे। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कम होती दिख रही है भीड़, लेकिन किसान नेताओं ने आंदोलन के पहले से ज्यादा मजबूत होने का दावा किया। जेपी नड्डा और अमित शाह ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की, सूत्रों के मुताबिक शाह ने कहा आंदोलन से किसानों का नहीं संबंध, जाट समाज को बताना होगा सच। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बैठक में अगले 15-20 दिन खापों, किसानों और समाज के बीच रहने की बात कही, नड्डा बोले अगले 3 से 4 दिन में संगठन रणनीति तैयार करेगा। आइए राजनीति की कुछ और खबरें जान लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, कृषि कानूनों की बारीकियों को आसानी से समझाते हुए बीजेपी एक बुकलेट तैयार करवाने में जुटी है, इस बुकलेट को लेकर पार्टी के नेता जाट बाहुल्य इलाकों में जाएंगे। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फेरबदल, बेदी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाने की चर्चा। राहुल गांधी आज पुदुचेरी में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, दौरे से पहले पुदुचेरी में कांग्रेस के लिए संकट, एक और विधायक ने विधानसभा से इस्तीफा। उत्तराखंड की जोशीमठ तपोवन आपदा में लापता लोगों की खोजबीन का अभियान अब भी जारी है, अब तक 58 शव बरामद, इनमें से 31 की पहचान। ग्रेटर नोएडा में फर्जी तरीके से फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 5 लोग दबोचे गए, बिना मंजूरी वैक्सीन का ट्रायल कर रहे थे, अब तक 1000 लोगों को वैक्सीन लगा भी चुके हैं। जौनपुर में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद भारी बवाल, हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने शाहगंज रोड जाम की पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। यूपी के कौशाम्बी में शराबी पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी, आरोपी और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थनगर जिले में बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक, ससुराल से जुड़े लोगों समेत कुल 4 पुलिस की हिरासत में। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक ट्रेन से उतरे पार्सल से भारी तादाद में कैश मिला, इनकम टैक्स विभाग की मदद से जांच,
1 करोड़ का कैश होने का अनुमान। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रेप के आरोपी आसाराम की तबीयत बिगड़ी, महात्मा गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में तेल गैस की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे, फोरम में 30 से ज्यादा देशों को 1600 प्रतिनिधि शामिल हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।